सीधना मौलामत से पूछते हैं इल्म की तारीफ भी बता दें कि इल्म कहते किसे ये बात हमारे समझने की है कि सीधना मौलामरत रजी अल्लाह की निगाह में इल्म है क्या अब उन्होंने इल्म को एक वजूद के तौर पर पे पेश किया है कि हमें समझने में आसानी हो तो फरमाते हैं अगर इल्म को एक वजूद के तौर पर लें ऐलब इम सुन लें इल के फ़ाइल बहुत ज़्यादा हैं इल के मनाक़ बहुत ज़्यादा हैं इम की अज़मतें बहुत ज़्यादा हैं मगर अगर तू समझना चाहे कि इल्म है क्या तो मैं तुम्हें इम को एक वजूद की सूरत में समझा देता हूँ आपने फरमाया और ये जो कौल आपका बयान कर रहा हूँ ये हमारी हदीस की किताब है कंजुल उमाल उसमें अल हिंदी ने इसको रिवायत किया है आपने फरमाया इल्म का सर तवाजो और इनकसारी अब आप समझते आइए इल्म का सर क्या है तवाजो और इनकसारी इसका मतलब ये है कि जो शख़्स साहिब इल्म है और उसकी ज़िंदगी में सीरत में किरदार में अखलाक में तवाज़ो इनकसारी हम्बलनेस नहीं है उसकी तबीयत झुकी हुई नहीं है तो गया उसके इलम का सर कटा हुआ है सर कटा है बगैर सर के। गया इम का फल ये है कि बंदे को मुतवाजे बना दे और तोज़ो कैसे आती है उससे तकबर निकाल लेता है बढ़ाई निकाल लेता है रउनत निकाल लेता है इनके सारी देता है ये इल है तो आपने फरमाया कि इल्म का सर तवाजो है इल्म की आंख इल्म की आंख हसद से पाक होना है अगर आलिम होकर दूसरों से हसद करे तो इसका मतलब है वो नाबीना हो गया वो नाबीना है ब्लाइंड है तो इल्म की आंख यह है कि उस बंदे में हसद खत्म हो जाए इल्म के कान फहम और फिरासत है साहिब इल्म को फहम और फिरासत होनी चाहिए इल्म की जुबान फरमाया सिद और सदाकत है सच्चाई है जिस वजूद में इल्म आ जाए वो झूठ नहीं बोल सकता अगर इल्म रख कर भी झूठ बोले तो इसका मतलब है कि इल्म उसके सीने में नहीं आया तारीकी है इल्म की हिफाजत या फहस तहकीक जस्तजू है म का दिल नीयत का नेक होना है खालस होना है इल्म के हासिल करने में नीयत अल्लाह की रजा हो इल्म पहुँचाने में नीयत अल्लाह की रजा हो दीन की खिदमत हो दूसरे को बचाना हो उससे दुनिया कमाना रोब दबदबा बनाना इज्जत लेना अपना मुकाम बनाना न हो तो इल्म का दिल हार्ट हुसन नीजत है खालस नीजत इल्म की अक्ल मारफत है म का हाथ रहमत है शफकत जो साहिब इल्म होता है वो उसके लिए लाजिम है कि पे शफकत बने पे मोहब्बत बने उसमें तलखी गुस्सा नाराज़गी नहीं होनी चाहिए सख्ती कशीदगी नहीं होनी चाहिए इल्म के दोनों बाजू और हाथ रहमत हैं अब फरमाते है, इल्म के पाँव क्या हैं इल्म के पाँव की जियारत इम के पाओ अहल इम की ज्यारत उलमा की सालीन की जियारत की तरफ सफर करके जाता है इम का मतलब है वो चल के जाता है इल्म लेने के लिए इल की हिम्मत सलामती है आफियत है इल्म की हिकमत परहेजगारी और जोहद और वरा है परहेजगारी इल का ठिकाना अल्टीमेटली फिर निजात है आदमी निजात पा जाता है दुनिया में जिल्लत और गुमराही से निजात पाता है और आख़रत में दोज़ और नारे जहन्नुम से निजात पाता है और इल्म का जो कायद गाएद है कायदा उसूल जिस सतून पर खड़ा है वो आफियत है वो सलामती है इल्म का मतलब है जब इल्म आ जाए तो उसे पता होना चाहिए कि अल्लाह की रज़ा क्या है अल्लाह का हुक्म क्या है अल्लाह का अम्र क्या है फिर वो बेचैन नहीं होता मुस्तरब नहीं होता उसको आफ़ीत मिल जाती है और इलम की सवारी वक़ार है तमकनत इम इज्जत इल्म इंसान से जिल्लत को निकाल देता है उसको वकार देता है उसको हलीम बनाता है इसलिए क्या फरमाते हैं कि जो इल्म सिर्फ ज़ुबान पर रहे वो नहायत बेकदर बेकीमत और बेवक़त होता है और इल्म वही है जो सिर्फ ज़ुबान से नहीं इंसान के जवारे यानी आजा से जाहिर हो इल वो है जो इंसान के जिस्म से बोले ज़ुबान से बोले आँखों से बोले कानों से बोले हाथों से बोले टांगों से इंसान का पूरा वजूद ज़ाहिर करे तो तब इसका मतलब है इस वजूद में इल्म है यानी पूरी सीरत किरदार ज़ाहिर करे इल्म जब तक सीरत किरदार ना बन जाए इल्म जब तक अख्लाक न बन जाए इल्म जब तक आपके अमार व अहवाल में न बदल जाए तो फरमाते कि अब वो इल्म नहीं है सबसे पहले नई वीडियोस को हासिल करने के लिए शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहरुल कादरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें